नमस्कार, मैं पूजा यादव लेकर हाजिर हूँ आपके लिए चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और देश दुनिया की कुछ बड़ी खबरें। चलिए नजर डालते हैं ताजा हेडलाइंस पर। 30 वर्षों बाद रामलला के दरबार पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भगवान के चरणों में किया दंडवत प्रणाम। सुशांत सिंह राजपूत केस अपडेट में जिद्दी महाराष्ट्र ने बिहार के आईपीएस विनय तिवारी को छोड़ने से किया इनकार, अब क्या करेगी नीतीश सरकार। जालंधर में कोरोना से 3 लोगों की मौत, 8 पुलिस मुलाजिमों समेत 53 पॉजिटिव। बुधवार सुबह सुखना लेक पर लगे वृक्ष गिरे, खड़ी एक्टिवा और एक कार हुई क्षतिग्रस्त। पुलिस के नशा तस्करों के ठिकानों पर रेड, लुधियाना देहांत में अवैध लाहन और 15,624 बोतल शराब बरामद। गहराता जा रहा है रहस्य, सुशांत ने अपनी बहन से कहा था मुझे रिया के जंगल से छुड़ा लो। पानीपत के एक दुकानदार को जर्मनी में जाकर पैसा कमाने की चाह पड़ी भारी, फर्जी वर्क परमिट दिला ठगे 10 लाख। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनाए जाने की खुशी में चंडीगढ़ सेक्टर के मार्केट के सदस्य ने लोगों को बांटे लड्डू। पीजीआई में कोरोना संक्रमित महिला को अचानक आया कार्डियक अरेस्ट, हुई मौत। हिमाचल के कांगड़ा में अब जमीनी मामलों में इस्तेमाल होंगे उर्दू के बजाय हिंदी, उप समिति बनेगी, चाय बागानों के बेनामी सौदों का मांगा पूरा डाटा। किन्नौर के चौलिंग में बादल फटने से सेब के बगीचे तबाह, सेना के हेलीपैड व एनएच पर भी बिछा मलबा। अब खबरें विस्तार से। बुधवार को देश भर में जश्न का माहौल रहा, हर तरफ भगवान श्री राम के जयकारे लगे, क्योंकि 5 अगस्त का यह दिन ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज के दिन अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिर का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व अन्य महापुरुष मौजूद रहे। वहीं इस ऐतिहासिक दिन का असर ऐसा रहा कि चंडीगढ़ व आसपास के क्षेत्रों में भी भूमि पूजन के अवसर पर हवन यज्ञ किए गए। चंडीगढ़ भाजपा कार्यालय में भी हवन किया गया। के अंदर बहुत बड़ी इच्छा है कि भव्य मंदिर के निर्माण के अंदर भी हमारा योगदान मिले। इससे पहले भी जो संघर्ष हुआ, चाहे वो 30 अक्टूबर 1990 का दिन था या 6 दिसंबर 1992 का दिन था, हमें इस बात का सौभाग्य मिला कि हम अयोध्या के अंदर जाकर के हमने भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण के अंदर अपनी आहुति डाली। और मैं समझता हूँ कि 30 साल की तपस्या जिसका हम इंतजार कर रहे थे कि भगवान श्री राम का मंदिर बनेगा, लोग कहते थे कि ये वोटों की राजनीति है, लेकिन आज वो संकल्प साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है और भगवान श्री राम का मंदिर आज पूरे भारतवर्ष के अंदर दुनिया के अंदर संघर्ष के बाद आज अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो रहा है। बहुत ही मैं इसके लिए सबको बधाई देता हूँ और बहुत खुशी की बात है कि बाबर ने तोड़ा था और नरेंद्र मोदी ने उसको जोड़ा है। बाबर ने तोड़ा, दुर्भाग्यपूर्ण था, मंदिर ने मोदी जी ने जोड़ा, ये सौभाग्य की बात है। सबको बहुत बहुत बधाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बुधवार को चंडीगढ़ स्थित सुखना लेक पर लगे पेड़ पौधे अचानक गिरने लगे। वहां खड़ी एक एक्टिवा और कार इन गिरते पेड़ों की चपेट में आ गई, जिससे वाहनों को भारी नुकसान हुआ। अभी तक नहीं पता चल सका कि पेड़ों के गिरने की असल वजह क्या है। गहराता जा रहा है सुशांत केस। अपनी बहन से कहा था मुझे रिया के चंगुल से छुड़ा लो। अभिनेता सुशांत सिंह की रहस्यमय मौत के प्रकरण में यह तथ्य भी उद्घाटित हुए हैं कि सुशांत ने अपनी बहन से कहा था कि उसको रिया के चंगुल से छुड़ा लें। सुशांत अपनी बहन को रानी दीदी कहते थे। रानी हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस ओपी सिंह की पत्नी हैं। इसके बाद रिया के खिलाफ शिकायत ओपी सिंह ने एक और मैसेज के जरिए की। अब तक के लिए इतना ही, फिर लौटूंगे आपके लिए देश प्रदेश की कुछ बड़ी ताजा खबरें लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए अर्थ प्रकाश टीवी। अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताजा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।